हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन आज फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ और इसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस सब्सटेंस की, जो कि हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको हम POP भी बोलते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, या POP की। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्या इसके यूसेस है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जो सब्सटेंस है उसको हम बनाते हैं जिप्सम जो रहता है। जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे, क्या जिप्सम को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, POP, ठीक है। ध्यान देना, क्या जब हम किसी जिप्सम जिप्सम सब्सटेंस, आप सब लोग जानते हैं कि जिप्सम क्या होता है, तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे POP, ठीक है। और इसको अच्छे से समझा जा सकता है ऐसे, देखना, ये हमारा जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या होता है, जिप्सम से डायरेक्ट हमें POP नहीं मिलता, पहले जिप्सम से ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट बनेगा। ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट बनने के बाद जब हम इसको फिर से हीट करते हैं 120 डिग्री तक, तो 120 डिग्री तक हम इस सब्सटेंस को, ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट को हीट करेंगे तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो रहता है CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। ये सब्सटेंस हमारा होता है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो तो वो एनहाइड्रस सल्फेट बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बिल्कुल इसका जो प्रिपरेशन है कैसे बनाएं वो क्लियर होगा। तो एक बार और मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ, क्या है कि हम जिप्सम को जब हीट करेंगे तो जिप्सम पहले डाई ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। डाई ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम फिर इसको 120 से 160 का टेम्परेचर देते हैं तो ये POP का फॉर्मेशन करता है। फिर अगर POP में हम एक 200 का टेम्परेचर फिर से अगर लगा देते हैं तो हमें एनहाइड्रस सल्फेट मिलेगा, क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ POP, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ POP की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी POP की वो कैसे होगी, उसकी सारी प्रोसेस हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो पहली प्रोसेस जो हमारी होगी, सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि POP हमारा जिप्सम से बनता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ POP फ्रॉम जिप्सम, मतलब POP का जो फॉर्मेशन है वो जिप्सम से होता है। पहली प्रोसेस जो होगी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब पता है आपको, ग्राइंडिंग का मतलब भी पता है। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्रिपरेशन में, तो सबसे पहली बात जो है वो होती है क्रशिंग। क्रशिंग मतलब तोड़ना, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ग्राइंडिंग भी वही है। फिर कैल्सिनेशन ऑफ ग्राउंड जिप्सम, जो अभी हमने क्रश किया है या क्रश्ड जो हमारा जिप्सम हमें मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्लीन के अंदर जो हमारी हीटिंग होती है जहाँ पर हम हीट करते हैं उसके अंदर 150 डिग्री तक हम इसको हीट करेंगे। कितनी, 150 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ क्या, इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ध्यान देना, कैल्सिनेशन का मतलब ही यही है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी है, क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन का मतलब। फिर बोलते हैं पल्वराइजिंग द कैल्साइट प्रोडक्ट। अब हमने कैल्सिनेशन प्रोसेस कर दी, कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद जो कैल्साइंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको पल्वराइजिंग करना, मतलब उसको फिर से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना।
तो ये कुछ हमारी क्या थी, प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग थी पीओपी की, कैसे बनता है। तो पहली बात क्या करेंगे आप, जो हमारा जिप्सम रहेगा उसको हम केले क्या करेंगे, क्रश करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको फिर से क्रश करेंगे। क्लियर है? तो ये था प्रिपरेशन ऑफ पीओपी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या प्रॉपर्टीज़। अब हमारी जिप्सम की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो क्या कौन कौन सी, सेटिंग एंड हार्डिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या होता है, जो पीओपी रहता है, ठीक है, पीओपी के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं तो ठीक है, तो पानी जैसे पीओपी के अंदर मिलाएंगे, जो पाउडर है हमारा प्लास्टिक मास बना लेता है। जो प्लास्टिक मास बनाता है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है या कड़क हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो हमारा रहता है कौन, पीओपी, स्लाइटली एक्सपांड होता है और एक्सपांड होने के बाद फिर से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। रीगेन करने के बाद ये क्लोजली पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जिप्सम आप जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट Ca(SO4)2H2 होता है। समझ पाए मेरे ख्याल से? तो क्या है प्रोसेस, जब आप क्या करोगे, पीओपी के अंदर जब पानी मिलाओगे तो जो पाउडर है हमारा प्लास्टिक मास बनाएगा, प्लास्टिक मास बनाएगा और वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। जो प्लास्टिक मास होता है बहुत जल्दी सेट हो जाता है या हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमारा पीओपी है स्लाइटली एक्सपांड होता है और कुछ टाइम बाद अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है और क्या बनाता है, क्लोजली पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेता है, किसका, जिप्सम का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं कि जो एलम से या अल्काली सल्फेट से, ये हमारा इनिशिएट भी कर सकती है एज वेल एज सस्टेन, ठीक है, या तो एक्सेलरेट करेगा या डीएक्सेलरेट करेगा। तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में हम इसका यूज़ होता है, ठीक है, मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसको या तो बढ़ाएगी, जल्दी करवाएगी या धीरे कराएगी। तो इस वजह से हम इसका क्या करते हैं, एक्सेलरेटिंग के तौर पर भी यूज़ करते हैं। किस, एक्सेलरेटर, पीओपी को एक्सेलरेट करने के तौर पर भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस पर आप ध्यान देना। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ हम एक्सिलरेटिंग में किसका यूज़ करते हैं, पीओपी की एक्सिलरेटिंग में किसका यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एलम्स और अल्काली सल्फेट्स, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि एप्लीकेशन ऑफ पीओपी क्या क्या होता है, मतलब पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके क्या क्या उपयोग है। तो पहला, प्लास्टर ऑफ वॉल्स, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की दीवारें हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, उसके ऊपर पीओपी की लेयर चढ़ाते हैं ताकि उसकी लाइफ पीरियड इंक्रीज हो जाए। सर्जिकल बैंडेजेस, अगर आपने देखा होगा फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो पट्टा चढ़ाते हैं वाइट कलर का, तो पहले वो एक पेस्ट फॉर्म में रहता है और अपने जो हाथ फ्रैक्चर होता है या पैर जो भी फ्रैक्चर होता है उसके ऊपर एक लेप बना के चिपका देते हैं वो, और कुछ टाइम बाद वो बहुत ठोस हो जाता है क्योंकि वो सेट हो जाता है, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चरल टाइल्स और कास्टिंग स्ट्रक्चर, ये आपको पता ही है, मेकिंग प्लास्टर बोर्ड्स एक्सेट्रा वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पीओपी के। मेरे ख्याल से सब चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे।